बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो आज का लेक्चर जो है वो है एक्सरसाइज 7.5 का। तो आज हम पढ़ेंगे जी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास जो आई लेवल है, हमारी जो आई है, इसका ये जो आप बिल्कुल स्ट्रेट देखें, दैट विल बी आवर आई लेवल। तो अगर हम आई लेवल वाली लाइन ड्रॉ करें, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इस आई लेवल से अबव किसी चीज़ को देखते हैं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस अबव देखने वाली लाइन के दरमियान जो एंगल फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह आप अगर अपने आई लेवल से बिलो किसी चीज़ को देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जैसे मतलब मैं यहाँ पे ये सीलिंग को देख रहा हूँ, छत को देख रहा हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा जी मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इसी तरह मैं फ्लोर को देख रहा हूँ, तो ये मेरा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 7.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ 6 feet मैन कास्ट अ 3.5 feet शेडो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी फिगर फॉर्म करनी है। फिगर क्या है कि सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। कैसे बनेगी, ये समझ ले हाइट है उस आदमी की और ये उसका शेडो बन रहा है विच इज़ 3.5 feet। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। हमने क्या फाइंड करना है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज एंगल थीटा। तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें हमें परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है। तो आपको मालूम है कि अगर हमें परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है बी सी ओवर ए बी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, यहाँ से आपको 1.7143 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब tan इधर जाके क्या होगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से एवेल्यूएट करेंगे, दैट विल बी 59.74 डिग्रीज। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपने जस्ट ये वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 है, अ ट्री कास्ट अ 40 meter शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 degree, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि एक ट्री है, उसका शेडो बन रहा है 40 meters और उसका सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 25 degrees। आपने इस ट्री की हाइट फॉर्म करनी है, फाइंड करनी है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। तो हमें हाइट मालूम करना, मतलब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस मालूम है, एंगल मालूम है। तो इस पर भी परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई हो जाएगी। तो टैन थीटा होता है जी, आपको पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी की वैल्यू है 40, टैन 25 degree और बी सी हमारे पास है हाइट। तो इसकी हाइट मालूम हो गई 18.652 meters। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा स्टडी करें। ठीक है, अच्छा पहले दो क्वेश्चंस हो गए, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अ 20 feet लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द अक्यूट एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। एक लैडर है जी जो वॉल के साथ लीन की गई है, उसकी लेंथ है 20 feet और उसकी बेस और वॉल की बेस तक का डिस्टेंस जो है वो है 5 feet। आपने ये जो एंगल है ये आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 हमने पढ़ी हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस और टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इन तीनों में से कौन सी अप्लाई की जा सकती है, बेस है हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियस बात है कॉस बेस ऑफ हाइपोटेनस। इसको याद करने का फॉर्मूला भी बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो कॉस थीटा लगेगा इस पर। तो कॉस अप्लाई किया जी, बेस ओवर हाइपोटेनस 5/20, इसको कैलकुलेट किया 0.25 आ गया, कॉस इधर आके इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया, थीटा इक्वल आ गया जी 75.5 degrees।
सो दिस विल बी द आंसर कि ये जो है इसका अक्यूट एंगल होगा लैडर और हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज द फ्लोर। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। फाइंड द एंगल ऑफ द डायगोनल विद द बेस। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसकी बेस है 25 फीट, परपेंडिकुलर है 13 फीट। आपको पता है डायगोनल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। तो आपने डायगोनल को ड्रॉ करना है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जानी, तो डायगोनल बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है ये कैलकुलेट करना है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई, तो आपको पता है परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो कौन सी रेशियो लगेगी? टैन लग जाएगा यहाँ पे। तो टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस, तो हाँ जी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 13, बेस की वैल्यू है 25, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.52 आ जाएगा। टैन को इधर ले जाओ, टैन इनवर्स हो गया तो 0.52 का टैन इनवर्स हो जाएगा 27.47 डिग्रीज। ठीक है जी, इजी सा क्वेश्चन है, समझ आ जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्ब्स विद अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। फाइंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स। एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है 80 डिग्री के एंगल के साथ, आफ्टर 5000 मीटर दूर जब ये ट्रेवल कर गया है इस डायरेक्शन में, तो बताना है आपने कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब इसमें हमें ये हाइपोटनस मालूम है, हमने फाइंड करनी है हाइट। आपको पता है परपेंडिकुलर मालूम है हाइपोटनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटनस क्या होता है? साइन थीटा, तो इस पर साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगी। तो ये आ गया परपेंडिकुलर हाइपोटनस, परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटनस है आपका 5000 इधर साइन थीटा से मल्टीपल। अब थीटा की वैल्यू आपको पता है 80 डिग्री है, तो साइन 80 डिग्री इंटू 5000, इसको कैलकुलेट करें क्या आंसर आ जाएगा, 4924.04 मीटर्स। तो ये